नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अच्छी खबर आई है बहुत ही, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका भर्ती का नहीं आया था, एक वीडियो मैंने पीछे डाला था, मैंने उसमें बताया भी था कि इस वीक के अंदर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। और इस नोटिफिकेशन के अंदर दो चार चीज़ें नई हैं, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखना है दोस्तों, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको बेनिफिट मिल सके वीडियो का पूरा और लाइक करें। आइए देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन क्या है। ये देखिए दोस्तों, इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो है 22 मार्च से एडमिशन ऑनलाइन इसकी जो है स्टार्ट हो चुके हैं, 22 मार्च से स्टार्ट होंगे दोस्तों ये 22 मार्च 2019 से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 22 अप्रैल को 12 बजे तक जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हो रात के 12 बजे तक। और फीस जो डिपॉजिट करवाने का टाइम है वो है 25 अप्रैल तक आप फीस डिपॉजिट करवा सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप इसको स्टार्टिंग में ही अप्लाई करें, लास्ट डेट का वेट आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पे कई बार क्या है सर्वर बिजी हो जाता है, साइट क्रैश हो जाती है दोस्तों, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि वैकेंसीज बहुत आ रही हैं दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, तो एट ए टाइम जो है आपको भागना ना पड़े इधर उधर, अपने फोटोस्टेट वगैरह 20-30-50 सेट पहले ही आप बनवा के रखें तैयार, बिल्कुल फोटोग्राफ आप तैयार रखें पासपोर्ट साइज़ का, अपनी आईडी वगैरह दोस्तों तैयार रखें, और इसके अलावा जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल तैयार रखें, ताकि एट ए टाइम जो है आपको भागदौड़ ना करनी पड़े। तो आइए देख लेते हैं पूरी की पूरी डिटेल क्या है। ये देखिए जिस साइट पे हम अप्लाई करेंगे दोस्तों, इस साइट के ऊपर जाके आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 22 मार्च से, ये साइट है। और उसके अलावा जो है पोस्ट की डिटेल जो है मैं आपको बता देता हूँ कितनी पोस्टें हैं इसके अंदर, सारी की सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है। एक एक चीज़ जो है बिल्कुल ध्यान से देखनी है आपने, ये है दोस्तों पोस्ट। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 160 पोस्ट है, जिसमें से 19 जो पोस्ट हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। एससी के लिए जो है 38 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें से 3 पोस्ट हैं। बीसीए के लिए 30 पोस्ट हैं और 5 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए हैं इसमें। बीसीबी के लिए जो है 21 हैं, जिसमें से 4 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। तो टोटल मिला के दोस्तों 249 पोस्ट हैं ग्रुप डी के लिए, और इसमें पीएच की भी हैं दोस्तों। ये जो पोस्ट है ये यहाँ पे पीएच की पोस्ट मेंशन है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए एक पोस्ट है इसमें। अब रही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए मैट्रिक क्लास, और 10वीं क्लास तक जो है उसके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ग्रुप डी के लिए जो है 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात दोस्तों एज में छूट वही मिलेगी जो हरियाणा सरकार के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार है, जो है एससी के लिए है, बीसी के लिए जो भी छूट है दोस्तों वो हरियाणा गवर्नमेंट के नियमानुसार दी जाएगी, मेंशन है नोटिफिकेशन के अंदर। उसके अलावा जो है फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो है उम्र में छूट है दोस्तों, ये देखिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल की छूट है यहाँ पे, और एक्स सर्विसमैन सॉरी शेड्यूल कास्ट के लिए या बैकवर्ड क्लास का कैंडिडेट है तो उसके लिए 15 साल की उम्र में छूट है, और कैंडिडेट जो है वो फिजिकल हैंडीकैप होना चाहिए दोस्तों। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल की एज में छूट है, और कैंडिडेट अगर एससी या बीसी का है तो उसके लिए 15 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो 3 साल की छूट है दोस्तों, 3 साल की छूट मिलेगी एक्स सर्विसमैन के लिए, और ये रहेगा पे स्केल पूरा का पूरा। तो ग्रुप डी के लिए दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 18,000 से ऊपर जो है सैलरी बन जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार की। अब बात करते हैं दोस्तों फीस स्ट्रक्चर की, कितनी फीस है फॉर्म की। ये देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 100 रुपये फीस है, और फीमेल के लिए 50 रुपये है। एससी कैंडिडेट के लिए एससी बीसी के लिए मेल के लिए 50 है, और फीमेल के लिए जो है 25 रुपये फीस है। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की। फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
फिजिकल हैंडीकैप और एक्सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। अब बात करते हैं सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा। ये देखिए सिलेक्शन के लिए प्रोसेस है दोस्तों, 90 नंबर का जो है इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम होता है 90 नंबर का, और 10 नंबर जो है वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के होते हैं। टोटल मिला के 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा ये। इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि इसमें टॉपिक भी मेंशन है कि कितने टॉपिक, किस टॉपिक जो है कौन सा टॉपिक को कितने नंबर का आएगा। ये देखिए 75% जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, इसमें से 75% जो है पेपर आपका आ जाएगा, और बाकी जो 25% बचेगा उसमें से आपके हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट और कल्चर का आएगा दोस्तों। तो कुल मिला के जो है आपने ज़्यादा फोकस करना है 75% पे, और 25% पे आपने कम फोकस करना है। ये नहीं कि आप हिस्ट्री और लिटरेचर या ज्योग्राफी में लगे रहो, उसमें तो 25% का आएगा और 75% आपका रह जाए। तो आपने फोकस जो करना है वो 75% पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है पूरा का पूरा। अब बात करते हैं दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के 10 नंबर किसको मिलेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी ग्रुप डी का दोस्तों जो मामला था उसके अंदर ये पेंच फंस गया था कि किसको हम अनाथ माने किसको ना माने। तो देखिए मैं डिटेल में बता देता हूँ, इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है ए के अंदर, आप ध्यान से देखिए ए के अंदर जो है 5 नंबर एक्सपीरियंस के किस कैंडिडेट को मिलेंगे। ये देखिए 5 नंबर उस कैंडिडेट को मिलेंगे जिसके अंदर घर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यानी कि जिसके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस नहीं थे, जिसकी मदर भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं थी, जिसके फादर, ब्रदर या खुद जो गवर्नमेंट सर्विस में न तो आज हैं और न ही पहले थे, उसको 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। दूसरा टॉपिक क्या है, ऑर्फन अनाथ के केस में और विधवा के केस में। देखिए विधवा या तो विडो हो दोस्तों, विधवा हो उसको 5 नंबर मिलेंगे, या अनाथ जो है उसको माना गया है जिसके पिताजी की उम्र 42 साल से कम थे तब एक्सपायर होगी, यानी कि फादर की उम्र 42 साल से कम होगी तब जो है उसको अनाथ माना गया। और जो एप्लीकेंट है वो या तो परिवार में सबसे बड़ा हो या फिर वो दूसरे नंबर का हो, उसको अनाथ माना गया है। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों कि जो कैंडिडेट है उसकी उम्र 15 साल से कम है तब उसके फादर एक्सपायर होंगे। इस चीज़ का दोस्तों आपने विशेष ध्यान रखना है अनाथ के केस में, क्योंकि ये जो पेंच है ये पेंच पहले भी बड़ा डाउटफुल था कि किसको हम अनाथ माने और किसको अनाथ ना माने, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपने। अब जो है 5 नंबर किसको दिए जाएंगे दोस्तों, ये देखिए ये मेन टॉपिक है सी वाला। इसके अंदर क्या है, ऐसी जनजाति, डिनोटिफाइड ट्राइब, ऐसी जनजाति जो कि न तो एससी में आती है फिलहाल और न ही बीसी में आती है, उसको जो है 5 नंबर दिए जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने पूरा का पूरा। अब देखिए एक्सपीरियंस की बात करते हैं दोस्तों, एक्सपीरियंस के नंबर किसको मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे। एक साल का अगर एक्सपीरियंस है तो हाफ नंबर मिलेगा, यानी कि 0.5। अगर 6 महीने से कम एक्सपीरियंस है तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखने की बात है। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन दोस्तों पूरा का पूरा। ये नोटिफिकेशन जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।